हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे स्कारलेट विच से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। काफी टाइम से बहुत तगड़ा रूमर चल रहा था कि इसके ऊपर एक सोलो प्रोजेक्ट आएगा, वो एक सीरीज हो सकती है, मूवी हो सकती है। पर फिलहाल वांडा विजन के ऊपर एक सीरीज देख चुके हैं और एक कैमियो भी देख चुके हैं, एक प्रॉपर मूवी भी देख चुके हैं हम डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स। पर अब रूमर आ रहे हैं कि इसके ऊपर एक सीरीज या मूवी बन सकती है। कि उसका जो कैरेक्टर प्ले करती है एलिजाबेथ ने क्या रिस्पॉन्स दिया है वो फाइनली रिवील्ड हो चुका है आज मॉर्निंग में। तो बट उससे पहले आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ अपडेट्स के बारे में जो कि आज के दिन हमें देखने को मिले। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बारहवीं की सेट इमेजेस के बारे में। तो ये काफी ज्यादा कमाल की लग रही है और मूवी काफी ज्यादा चर्चा में, तो मैंने सोचा इसको भी कवर कर लिया जाए। तो जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये न्यू सेट इमेजेस आई हैं जिसमें कि कैन और बावी का दोनों का लुक काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं गोस्ट बस्टर के अपडेट के बारे में। तो उसका जो आफ्टर लाइफ पार्ट आया था जो कि एकदम डिफरेंट था, उसका सेकंड पार्ट कन्फर्म हो चुका है जो कि रिलीज होगा अगले साल दिसंबर 20 को। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि है मार्वल से रिलेटेड। तो आर्मर वॉर जो सीरीज आ रही है डिज्नी प्लस पर, उसकी शूटिंग कंफर्म हो चुकी है कि कब होगी। तो अपडेट ये आ रहे हैं कि एंड ऑफ द ईयर से स्टार्ट हो जाएगी इसकी शूटिंग एटलांटा में। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि है बॉलीवुड से रिलेटेड अपडेट। तो बॉलीवुड में दो धमाकेदार मूवी आ रही है जो कि आपको हिला डालेंगी, जिसमें कि सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान के कैमियोस की रनिंग काउंटिंग के बारे में। तो रॉक हिस्ट्री जो मूवी आ रही है जो कि 1 जुलाई को रिलीज होगी, उसमें जो शाहरुख खान का रन टाइम है वो है 40 मिनट का। और ब्रह्मास्त्र जो कि एक सुपर हीरो मूवी है जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं, उसमें उनका सिर्फ रन टाइम है 15 मिनट का। तो यानी कि आपने जो हनुमान वाला सीन देखा था वही शाहरुख खान हो सकते हैं और उस सीन में वो मारे जाए, तो इसीलिए शायद मे बी इनका रन टाइम इतना ज़्यादा कम है। और उसी के साथ चलिए बात करते हैं फाइनल अपडेट के बारे में जो कि है मिली बॉबे ब्राउन से। तो वो फाइनली नेटफ्लिक्स की एक और मूवी में काम करने वाली है जिसको रूसो ब्रदर डायरेक्ट करने वाले हैं और मूवी का नाम द इलेक्ट्रिक स्टेज। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि है केविन फाइगी से रिलेटेड। तो केविन फाइगी ने हाल ही में एक खुलासा करा जिसमें कि उन्होंने बताया कि थॉर लव एंड थंडर के बाद आपको और भी मल्टीपल थॉर देखने को मिलेंगे, वो भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्स के और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, जैसे बीटा रे बिल और भी काफी सारे थॉर देखने को मिलेंगे, पर आफ्टर थॉर लव एंड थंडर के बाद। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि बहुत ही कमाल का है स्कारलेट विच से रिलेटेड। तो स्कारलेट विच का भी रूमर चल रहा था कि उनके ऊपर एक सोलो मूवी आ सकती है। तो फाइनली एक वीडियो आया गुड मॉर्निंग अमेरिका में, वो मॉर्निंग में गई थी और उन्होंने इस चीज पर ये रिस्पॉन्स दिया। Coming up, rumor has it that you're getting your own standalone Scarlet Witch movie. I would Are love you able to be talk about okay. No one tells me anything and I'm not even like hiding a secret because I'm bad at that. So जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि मैं कुछ कह नहीं सकती इसके बारे में, मेरा कुछ फ्यूचर भी प्लान नहीं है और जो भी होगा अपडेट सभी को पता चली जाएगा। तो आपका क्या मानना है कि इसके ऊपर एक सोलो मूवी आएगी तो वो कैसी होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस ये थे वो काफी सारे कमाल के अपडेट। अगर आपको कोई सा भी अपडेट पसंद आए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।